أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم welcome you all in the online pharmacy classes physical pharmacy farm 310 today is lecture number 3 and we are starting with chapter number 3 in the previous lectures we discussed about the history literature and orientation of pharmacy today we are starting with the topic solutions डेफिनेशन अगर हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन की तो हम कहते हैं सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ होमोजेनस मॉलिक्यूलर मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। होमोजेनस से यहाँ मुराद है कि वन फेस में जो भी प्रिपरेशन आपको ऑब्टेन होगी और मॉलिक्यूलर से मुराद है जिसमें मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स का हम इस्तेमाल करेंगे। इट मे बी टू और मोर कंपोनेंट्स जिसमें एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रीडियंट और बाकी एक्सीपिएंट्स शामिल हैं। अगर हम सिंपल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सिंपल सॉल्यूशन के सिर्फ दो कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूट हम उस कंपोनेंट को कह रहे होते हैं जो कम मिकदार में मौजूद होगा और सॉल्वेंट हम उस कंपोनेंट को कहेंगे जो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। याद रहे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉलिड लिक्विड और गैस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि देर आर 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो हम बेसिक क्लासेस में पढ़ के आते हैं। फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन वो प्रिपरेशंस हैं जिनमें सॉल्यूट हमारे पास ड्रग और एक्सीपिएंट्स होंगे और सॉल्वेंट हमारे पास कोई लिक्विड होगा जिसमें वो डिसॉल्व हो रहे होंगे। अब हमने बात की कि सॉल्यूट हमारे पास डिफाइंड है ड्रग्स और एक्सीपिएंट यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होगा और उसके साथ उसकी एड को इंक्रीज करने के लिए एक एक्सीपिएंट होगा। जब हम सॉल्वेंट पे आते हैं तो सॉल्वेंट को फिर हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। हम कहेंगे हमारे पास एक एक्वस सॉल्वेंट होगा और एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट होगा। आइए हम तफसील से जानने की कोशिश करें। हम एक्वस सॉल्वेंट उन सॉल्वेंट्स को कह रहे हैं जो वाटर बेस्ड होंगे। याद रहे तकरीबन तमाम ही फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस वाटर बेस्ड होती हैं। वाटर को हमने मुख्तलिफ फार्माकोपियाज में मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन किया। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि ऑफिशियल कंपेंडियाज और फार्माकोपियाज इनमें ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, जापनीज फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया शामिल हैं। वहाँ वाटर की मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन मौजूद है। याद रहे कि हम टैप वाटर यानी ड्रिंकिंग वाटर को इस्तेमाल नहीं करते मैन्युफैक्चरिंग में बिकॉज इससे ड्रग की सॉल्युबिलिटी और उसकी स्टेबिलिटी पर फर्क पड़ सकता। इस वक्त हम स्क्रीन पर मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ वाटर देख रहे हैं और दीज टाइप्स आर बीन डिफाइंड बाय ब्रिटिश फार्माकोपिया जिसमें हम कहते हैं प्योरीफाइड वाटर जिसे इस्तेमाल किया जाएगा मेडिसिन बनाने के लिए जो स्टराइल और ए पायरोजेनिक साइट्स पर नहीं बनेंगी। इसके बाद हम टर्म इस्तेमाल करते हैं हाईली प्योरीफाइड वाटर। दीज आर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन वेयर वाटर ऑफ हाई बायोलॉजिकल क्वालिटी इज नीडेड। फिर हम कहते हैं वाटर फॉर इंजेक्शंस। दीज आर यूज फॉर द मेडिसिन फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन और ये लाजिम है कि ये जो वाटर फॉर इंजेक्शन है ये पायरोजन फ्री होगा। स्टरलाइज वाटर फॉर इंजेक्शन। दीज आर यूज फॉर मेडिकेशंस इन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड दिस वाटर हैज बीन स्टरलाइज बाय हीट एंड इज सूटेबली पैक्ड। एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस में कोसॉल्वेंट। कोसॉल्वेंट से मुराद है एक ऐसा सॉल्वेंट जो आपके सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है। ड्रग सॉल्युबिलिटी इज एनहांस्ड बाय एडिशन ऑफ एनी वाटर मिसेबल कंपाउंड विद ग्रेटर सॉल्युबिलिटी विच इज नोन एज अ कोसॉल्वेंट। अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो कोसॉल्वेंट्स इंक्लूड ग्लिसरॉल, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, इथेनॉल एंड इथाइलीन ग्लाइकॉल। अब आइए बात करते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की। दे आर मोस्टली यूज व्हेन द ड्रग इज इनसफिशिएंटली सॉल्युबल और स्टेबल इन एक्वस सिस्टम। अगर कोई ड्रग एक्वस सिस्टम में सॉल्युबल नहीं है या फिर वो स्टेबल नहीं है, उसकी डिग्रेडेशन हो रही है, तो आप नॉन एक्वस सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। याद रहे कि दीज सॉल्यूशंस आर लिमिटेड टू रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सच एज इंट्रामस्कुलर एंड टॉपिकल। इसके अलावा हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल नहीं करते। ड्रग को हमने पहले भी डिफाइन किया, आज हम ड्रग को सॉल्यूशन के हिसाब से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ड्रग मॉलिक्यूल मे बी अ स्मॉल मॉलिक्यूल फॉर एग्जाम्पल एस्पिरिन और अ लार्ज मॉलिक्यूल फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन। एक्सीपिएंट्स आर द इंग्रेडिएंट्स अदर देन द ड्रग्स, दे मस्ट बी इनर्ट एंड डोंट हैव एनी इंटरैक्शन विद द एक्टिव। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ सम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स विच आर यूज इन फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस, टॉप ऑफ द लिस्ट इज इथेनॉल। इट इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज्ड।
ज़्यादातर हम इसे को सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ओरल टॉपिकल और पेरेंटल सॉल्यूशंस में। प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल्स कंटेन टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर मॉलिक्यूल्स। अगेन इट इज ऑल्सो यूज एज अ को सॉल्वेंट इन ओरल टॉपिकल पेरेंटल एंड सम ऑफ द ओटिक फॉर्मुलेशंस। ग्लिसरॉल कंटेन्स 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर मॉलिक्यूल्स एंड इट इज वाइडली यूज एज अ सॉल्वेंट एंड को सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन ओरल एंड पेरेंटल सॉल्यूशंस। हमने डिफाइन किया था को सॉल्वेंट्स को, वाटर के साथ हम इसका इस्तेमाल करेंगे ताकि ड्रग की सॉल्युबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो। पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल्स आर यूज एज सॉल्वेंट्स एंड समटाइम्स एज को सॉल्वेंट विद वाटर और इथेनॉल। दे आर ओनली यूज इन द पेरेंटल सॉल्यूशंस। फिक्स ऑयल्स आर नॉन वॉलेटाइल, दे मेनली कंटेन ट्राइग्लिसराइड्स फैटी एसिड्स। हम इसे इस्तेमाल करते हैं इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन में। देयर एग्जांपल्स इंक्लूड ऑलिव ऑयल, कॉर्न ऑयल, सेसम ऑयल एंड एरिकस ऑयल। याद रहे एक फार्मासिस्ट को ये तमाम चीज़ें याद रहें जब वो इंडस्ट्री में काम करता है एज ए प्रोडक्शन फार्मासिस्ट, या वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में मौजूद होता है, या वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, या वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मौजूद होता है। तो उसे भरपूर ये नॉलेज हो कि हम कौन सा सॉल्वेंट किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और कौन सा सॉल्वेंट बेस्ट यूज़ किया जा सकता है उसके लिए। Esters are used in intramuscular administrations. Dimethyl sulfoxide is used as a carrier for adoxuridine for topical application to the skin. Glycopyrrole is a molecule which is used as a co-solvent in many of the parenteral solutions for intramuscular and intravenous injections especially. Pharmaceutical solution ko hum ब्रीफली अगर डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं सॉल्यूशंस आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, जिसका बहुत पहले से हिस्ट्री में मौजूद हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसे मुख्तलिफ तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम इन्हें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लासिफाई करते हैं तो हम इन्हें ओरल, ऑटिक और पेरेंटल भी कह सकते हैं, और अगर हम इन्हें ट्रेडिशनल नेम्स पर क्लासिफाई करते हैं तो हम इन्हें सिरप्स, एलिक्सर्स, स्पिरिट्स और टिंचर्स का नाम भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में यानी नेक्स्ट फ्राइडे, व्यूवर्स को याद रहे कि हम हर फ्राइडे के दिन फिजिकल फार्मेसी के एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर से, और हम इसी तरह अपने पूरे फार्मास्यूटिक्स के कोर्स को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सॉल्यूशंस विद रिस्पेक्ट टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप तमाम से दरख्वास्त है कि हम एक बार किताब ज़रूर पढ़ लें, और किताब पढ़ने के बाद जब आप इस लेक्चर को सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से ये लेक्चर समझ में आएगा। उम्मीद है कि तमाम चीज़ें आपको क्लियर हैं। अगर कोई भी मसला इसमें आपको दरपेश आता है तो आपसे दरख्वास्त है कि 0333-224-3031 पर रब्ता कीजिए। बहुत शुक्रिया सुनने का। अल्लाह हाफिज़।